भट्टू मंडी में बंदरों का आतंक, एक घायल वीडियो आया सामने। पीली मंदोरी के पंडित मोतीराम पुस्तकालय में 6 अप्रैल को रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। पीडीएम कॉन्वेंट स्कूल खाबड़ा कला में हवन यज्ञ के साथ नए स्तर का हुआ शुभारंभ। देखें खबरें विस्तार से। भट्टू मंडी में बंदरों का आतंक, करोल ज्वेलर्स के मालिक को किया घायल। भट्टू मंडी में इन दिनों बंदरों का भारी आतंक फैला हुआ है। मंगलवार को इंसार रोड स्थित करोल ज्वेलर्स के मालिक महावीर को इन बंदरों ने हमला बोल घायल कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महावीर जैसे ही एक बंदर को भगाने की कोशिश करता है तो पीछे से अचानक दूसरा बंदर उन पर हमला बोल देता है, जिससे वे सीढ़ियों से गिरकर घायल हो जाते हैं। अपने आप को सुरक्षित करते हुए जैसे ही वे दुकान में प्रवेश कर गेट बंद करते हैं तो बंदरों की संख्या 3 होकर उनकी दुकान के आगे उत्पात मचाते हुए गेट को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। यह खूंखार बंदर किस तरह से हमला कर किसी को घायल कर सकते हैं, इसका जीता जागता वीडियो इनके द्वारा की जा रही घटनाओं का एक सबूत है, जिसके चलते यहां दहशत का माहौल बना हुआ है। भट्टू मंडी में महिलाओं व बच्चों के लिए यह बंदर खतरा बने हुए हैं, जो कि यहां अनेक ऐसी घटनाओं को लोगों के घरों में भी कई बार अंजाम दे चुके हैं। गांव पीली मंदोरी के पंडित मोतीराम पुस्तकालय में 6 अप्रैल को रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। गांव पीली मंदोरी के पंडित मोतीराम पुस्तकालय में 6 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कमेटी सदस्य शिव कुमार, अजीत माचरा व राज गोदारा ने बताया कि पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी व युवा मंडल द्वारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से पंडित मोतीराम पुस्तकालय पीली मंदोरी में 6 अप्रैल बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान JTSE का द्वितीय पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। पीडीएम कॉन्वेंट स्कूल खाबड़ा कला में हवन यज्ञ के साथ नए स्तर का हुआ शुभारंभ। गांव खाबड़ा कला के पीडीएम कॉन्वेंट स्कूल में हर वर्ष की भांति इस बार भी मंगलवार को हवन यज्ञ कर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक राजवीर बेनीवाल ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सदस्यों व बच्चों ने यहाँ पहुंचकर अपने अभिभावकों के साथ हवन यज्ञ में आहुति डाली। प्रिंसिपल अनिता ने कहा कि किसी भी कार्य के शुरुआत में हवन यज्ञ करना शास्त्रों में शुभ माना गया है। इससे जहां उपस्थित लोगों को शांति मिलती है, वहीं वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के भवन प्रजातंत्र के किले होते हैं, उन्हें व्यवसाय का रूप न देकर बच्चों को चहुमुखी विकास की ओर ध्यान रख करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारा स्कूल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर है और हर साल बेहतर परिणाम लेकर आता है। इस अवसर पर अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को शगुन फैशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निकर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और वीरेंद्र सांगर।